सबका स्वागत है अपना गवर्नमेंट चैनल पे। तो एनआईसी के लिए अपना प्रिपरेशन अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, और जिसका आपको इंतजार था बेसब्री से, वो डेफिनेटली अपना मास्टर बैक में एनआईसी का जो फोल्डर है वो ऐड हो गया है। मतलब एनआईसी को हम टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपने ऑलरेडी वीडियो देखी है पहले। अभी इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें ओके आपके लिए इंक्लूड रहेगी, क्योंकि मेरे पास दो टाइप के स्टूडेंट हैं, तो दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए क्या क्या चीज़ें मास्टर सर्टिफिकेट रहने वाली है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अगेन, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि अगर आप मास्टर सर्टिफिकेट ज्वाइन करने वाले हो तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए इस माइंड सेट से ही आप ज्वाइन करो, ओके। जिस तरीके से इन लोगों ने सिलेक्शन लिया है एनआईसी में, एसटीक्यूसी में, मीटी में, नाइलेट के हर एक रिक्रूटमेंट में कंसिस्टेंटली अपने सिलेक्शन है, वैसे ही उस माइंड सेट से ही आप इसको ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है। अभी सीएसई हो या ईसी हो, ठीक है, दोनों स्टूडेंट एक ही जगह पे आएंगे, एक ही लेवल पे आएंगे, और हम उस तरीके से एनएससी का प्रिपरेशन करने वाले हैं, राइट। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ऑलरेडी कनेक्टेड है अपना गवर्नमेंट चैनल के साथ, डेफिनेटली आपको पता है मास्टर से पैक है आपका, राइट, जिसमें हम मल्टीपल रिक्रूटमेंट टारगेट करते हैं। अभी इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा मास्टर से पैक का पर्पज वगैरह, वो ऑलरेडी सबको पता है जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, राइट। तो अभी एनआईसी के लिए हम अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट करने वाले हैं, मास्टर्स बैक में हम इसको टारगेट करने वाले हैं। जो सिलेक्शन है ओके, एक तो आपका इससे भी होगा एंड इससे भी होगा, दोनों तरीके से सिलेक्शन होगा, लेकिन क्या ज्वाइन करना है ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में इधर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो 80-90% स्टूडेंट है, 80-90%, तो उनको जो है ऑलरेडी उनका सिलेबस लगभग कंप्लीट है, और मैं बोल सकता हूँ 50%, मोर देन 50% उनका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी नए नए हैं इस फील्ड में, इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और फर्स्ट टाइम एनएससी के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए वीडियोस की नीड है, तो डेफिनेटली जो वीडियो का आपका प्रॉब्लम था मैंने सॉल्व कर दिया है, वीडियोस अभी अवेलेबल है, जो भी सिलेबस एनएससी का है टेक्निकल का, सभी चीज़ों का वीडियोज अवेलेबल है, ठीक है, ओके। तो जिनको भी लगता है कि आपके पास ऑलरेडी आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, फर्स्ट थिंग आपके नोट्स आपके पास है, ठीक है, जस्ट आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, पर्सनलाइज या जनरलाइज गाइडेंस, मॉक टेस्ट चाहिए, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चाहिए, तो जस्ट आप मास्टर से पैक ज्वाइन कर सकते हो, राइट। अभी मास्टर से पैक में आपको मैंने फीचर दिया है इंस्टॉलमेंट का, 6 मंथ एंड 12 मंथ और 14 मंथ्स के लिए, राइट। अभी देखिए एनआईसी का जो है, तो एनआईसी का रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने में 1 साल लगेगा ही लगेगा, भले उन्होंने एग्जाम जल्दी लिया तो भी, भले इंटरव्यू को टाइम लग सकता है, ठीक है, इसको टाइम लगता है एनआईसी को, ऐसा नहीं कि क्विकली ये कर देंगे, 3 महीने में आपका रिजल्ट आएगा, फिर 1-4 महीने में ये हो जाएगा, नहीं। हर बार हर एक रिक्रूटमेंट में आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 6 मंथ का ही ज्वाइन कीजिए इंस्टॉलमेंट पे, ताकि विद इन 6 मंथ अगर आपका मतलब हो गया सिलेक्शन तो फिर आगे के पे करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इससे अपना मास्टर से पैक मोस्ट अफोर्डेबल आपके लिए बन जाता है, और डेफिनेटली रिजल्ट आपको पता ही है इसके क्या है, ओके। तो अभी जो है आपको 1 साल का मास्टर से पैक ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि एनएससी के लिए 1 साल लगेगा, राइट। और डेफिनेटली इसके अंदर मल्टीपल रिक्रूटमेंट टारगेट करने वाले हैं, जैसे आप अंदर जाओगे आपको फोल्डर्स दिखेंगे, दिख रहे डिफरेंट डिफरेंट, राइट। मैंने ऑलरेडी बता दिया है क्या क्या रिक्रूटमेंट हमने टारगेट किया है प्रीवियस वीडियो में, करेक्ट। तो जिनको भी लगता है कि आपका रेडी है, जस्ट आपको थोड़ा पुश चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, और एक डेडिकेटेड पाथ चाहिए अगले 3, 4, 5, 6, 1 साल तक, जिससे जे आपका एनआईसी में फाइनल सिलेक्शन हो जाए, राइट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मास्टर सक्सेस पैक, ठीक है। अभी जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करने वाले हैं और जिनको वीडियोज चाहिए, ओके, अगेन मैं बताऊंगा इधर वीडियोज कंटेंट जो है ओके यूट्यूब पे पूरा अवेलेबल है, आपको वीडियोज की स्पेसिफिक नीड नहीं है, कंटेंट की वजह से सिलेक्शन किसी का नहीं रुकने वाला। मेन क्या है, जिसके पास गाइडेंस नहीं है वो लैक करेगा, ठीक है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब आप मुझे देना देना, ये आपका रिक्वायरमेंट है, आपकी नीड है, आपकी डिमांड है, इसलिए वीडियोस मैंने ऐड कर दिया है। तो अगेन मैं वही बोलूंगा कि वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ठीक है आपको डेडिकेट पार्ट चाहिए, डेडिकेट सब वीडियोस एक एक ही जगह पे सब चाहिए, तो फिर आप ले सकते हो, ठीक है। और ऐसे 10-20% स्टूडेंट है अपने जिनका सिलेबस फर्स्ट टाइम वो एनएससी करने वाले हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वगैरह वगैरह, तो आपको वीडियो ज्वाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, मास्टर से पैक तो आपको ज्वाइन करना ही है, प्लस वीडियोज भी रहेंगे तो वो आपको मिलने वाले हैं, राइट, ओके। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि फीस, तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि फीस जो है वीडियोज के साथ थोड़ा वेरिएशन रहेगा, राइट। अपना नॉर्मल मास्टर सक्सेस पैक का जो फी है वो सेम है, 1499, ठीक है। अगर आपको वीडियोस भी चाहिए तो आपको मास्टर सक्सेस पैक लेना ही है 1499 में, और प्लस आपको ये एडिशनल अमाउंट जो है जो इधर लिखा है वो आपको एडिशनली पे करना है, ओके। हमारी टीम जो है, जैसे आप ज्वाइन करोगे मास्टर सक्सेस पैक, प्रॉपर आपको गाइड करेगी, सभी चीज़ आपको बताएगी कैसे करना है क्या करना है, ठीक है, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये फी जो है ये मास्टर सक्सेस पैक का है, जिधर हम मल्टीपल रिक्रूटमेंट टारगेट करते हैं, और अगर आपको एनआईसी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो ये आपका जो फी है ये आपके सामने है, ठीक है। बाकी
वीडियो लेक्चर इसमें नहीं रहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो एनआईसी स्पेसिफिक है. ओके, इंग्लिश ई बुक जो है वो आपको दिया है दोनों में. ओके, सभी चीजें सेम रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी नीड है सिलेक्शन के लिए वो मुझे सबको सबके लिए देना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा. ठीक है, जैसे कि इंग्लिश ई बुक है, मॉक टेस्ट प्लस गाइडेंस है, प्लस अपना आईजीपी है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम डेफिनेटली. ठीक है, बाद में एमएसपीओटी है, ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी है, मतलब आगे इतनी इतनी हम चीजें करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए एनआईसी की तरफ. ठीक है, जस्ट आपसे मुझे एक ही कमिटमेंट चाहिए कि जितना भी नेक्स्ट टाइम है, भले आप इसी से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, फर्क नहीं पड़ता, एनआईसी के लिए आप स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हो तो ही मास्टर्स में ज्वाइन करो. ओके, अगर आप कोई और रिक्रूटमेंट टारगेट कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन एनआईसी खासकर इसी वालों के लिए, एनआईसी अगर कर रहे हो तो एनआईसी के लिए करो. ठीक है, बाकी मैंने ऑलरेडी बता दिया है लास्ट वीडियो में. ठीक है, तो मास्टर्स से पैक जो है वो कंप्यूटर साइंस के लिए सेपरेट है, इसी के लिए सेपरेट है. अभी इसी वालों के लिए, इसी वालों को कंप्यूटर साइंस का परचेस करने की जरूरत नहीं है. राइट, ओके, आपको आपका ही लेना है, जस्ट एनआईसी का जो सभी चीज है उसमें आपको मैं देने वाला हूँ. ठीक है, और अगर सपोज आपका एनआईसी का एग्जाम जल्दी हो गया तो बाकी भी इसी के रिक्रूटमेंट रहेंगे, आप उसको टारगेट कर सकते हो. इसलिए खुद का मास्टर्स ऐसे पैक ही लो, मतलब इसी वाले इसी का लो, कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर साइंस का लो. ठीक है, जब देखो उधर ब्रैकेट में लिखा है सब चीजें, नहीं तो कभी क्या होता है आप गलती से दूसरे ब्रांच का लेते हो, फिर प्रॉब्लम होता है बाद में. ठीक है, तो ये आपको परचेस करने से पहले ध्यान रखना है. नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है प्रॉपर, वो लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका मास्टर्स ऐसे पैक खुलने वाला है कंप्यूटर साइंस का, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का. ठीक है, कुछ वीडियोज जो है वो फ्री है, आप चेक कर सकते हो. ओके, वीडियोज जो है एक्सेसिबल रहेंगे एप्लीकेशन पे, तो आप देख सकते हो. अगर आपको लगा कि ठीक है, मतलब कनेक्शन बैठ रहा है, कंसेप्ट समझ रहा है, तो जाओ इसकी तरफ, नहीं तो मास्टर्स से पैक आपको बाय डिफॉल्ट ज्वाइन करना है. क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है कंसिस्टेंटली हर एक पीएसयू में या नाइलेट के हर एक रिक्रूटमेंट में लगातार सिलेक्शन दे रहा है, देता रहेगा. ठीक है, अगर सीरियस हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो. ओके, इसके अलावा कुछ भी क्वेरी, कुछ भी डाउट है तो 9653695272 ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर ही है. इसके अलावा एप्लीकेशन पे भी मैं अवेलेबल हूँ, उधर भी आप मुझे अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हो, प्लस इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप डीएम कर सकते हो. ओके, आई होप सभी चीजें क्लियर होंगी और कुछ भी डाउट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने है. ठीक है, ऐसा नहीं मैंने रिजल्ट नहीं दिया है और मैं आपको बोल रहा हूँ. मेन क्या है कि सिलेक्शन आपका होगा, क्योंकि हर एक गाइडलाइन अगर आप फॉलो करोगे, अगर आपने 70-80% गाइडलाइन भी आप सक्सेसफुल रहे फॉलो करने के लिए, तो डेफिनेटली एनआईसी के 596 वैकेंसी जो भी है, 600 अप्रोक्सीमेटली है ना, तो उसमें आपका एक वैकेंसी रिजर्व होने वाला है. ठीक है, मेन क्या है, रेडी रहना है और आज से अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो. कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो.